जलदाय विभाग वोट नहीं, वोट नहीं का चुनाव का वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं चुनाव का, चुनाव का, चुनाव का, चुनाव का जब तक हाय हाय जलदाय विभाग जलदाय विभाग जलदाय विभाग एक्शन जीएन जलदाय विभाग चुनाव का बहिष्कार है, चुनाव का बहिष्कार है। भैया वार्ड नंबर 52 है गजमल गली, यहाँ पे पिछले 7 महीने के पहले नई पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई थी। पाइपलाइन को नियम अनुसार नहीं डाला गया है बिल्कुल भी, केवल 4 इंच नीचे दबा दिया है, जिससे कि नाली भी अवरोध हो रही है। नाली के अंदर भी अगर कोई थैली फंस जाती है तो उसको सफाई करने में भी समस्या आती है। और सबको अधिकारियों को जितने भी अधिकारी जलदाय विभाग के अधिकारी हों या जो भी हों सबको इन्फॉर्म किया गया, सबको जा करके रिक्वेस्ट किए गए, लेटर दिए गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। सब यही कहते हैं कि भैया हम 4 दिन में काम चालू करा देंगे, 2 दिन में काम चालू करा देंगे, इसलिए हमने आज चुनाव है, आज के दिन चुनाव हो रहा है वार्ड 52 के अंदर, हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं। आज किस तरह का प्रदर्शन किया? हमने अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है, हमने अभी कोई भी हिंसात्मक कार्य मतलब कुछ भी नहीं करा है। हम नॉर्मली शांतिपूर्ण तरीके से हम ध्यान दिलाना चाहते हैं प्रशासन को कि जब तक हमारी मांगे सुनवाई नहीं होगी तब तक हम ऐसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। 52 वार्ड नंबर 52 से मैं दीपचंद कुमावत बोल रहा हूँ। 7 महीने पहले हमारी गली गजमल गली के अंदर जो पाइपलाइन डाली गई थी, हमें आश्वासन दिया गया था कि ये जल्दी से जल्दी ये कार्य करेंगे। आज 7 महीने बीत गए हैं, आज चुनाव है नगर परिषद के वार्ड नंबर 52 के, तो हम सब मिलकर जो वार्ड नंबर 52 के लोग हैं इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जब तक हमारे को ये आश्वासन नहीं दिया जाता कि वार्ड नंबर 52 की ये जो पाइपलाइन है इसको ठीक किया जाए, तब तक हम ये 52 नंबर है साहब, हमारी गली पूरी ख़राब हो रखी है, न इसमें गंदगी हो रही है, न नलों की फिटिंग हो रखी है, हमको परेशान कर रखा है। हम कोई भी चुनाव नहीं देंगे, कोई भी वोट देने नहीं जाएंगे। ये है ना जो नैरमोली की गली है उसमें टूट फूट हो रही है, और ये पूरी सुविधा देनी चाहिए हमारे को, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह कितनी बार गिर चुकी है और हम वोट नहीं देंगे। आपकी तो ये परेशानी आ रही है? हमारे को परेशानी आ रही है, ये नल फिटिंग हुई है ना, जब से परेशानी हो रही है। आप क्षेत्रवासी सारा चुनाव का बहिष्कार? क्षेत्रवासी हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, आपका नाम? संजू देव। 52 से बोल रही हूँ। यहाँ पर इस मोहल्ले के अंदर बहुत खड्डे हो रहे हैं, पाइपलाइन जो 7-8 महीने से टूटी हुई है उसकी कोई भी ठीक नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, कई बार महिलाएं भी गिर रही हैं, कोई कभी गाड़ी से गिर रहे हैं, कभी क्या गिर रहे हैं, पूरी मोहल्ला ख़राब हो रहा है, हमारा गलियाँ ख़राब हो रही है, इसको तुरंत ठीक कराया जाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कौन सा वार्ड है ये? कौन सा वार्ड है और आज आपने किया? सर ये वार्ड नंबर 52 है। आज यहाँ पे पूर्व पार्षद भागीरथ जी जोशी के निधन के कारण यहाँ पे आज उपचुनाव है। यहाँ पे पिछले 7 माह पूर्व 6 इंची पाइपलाइन डाली गई थी पानी की सप्लाई हेतु। उस पाइपलाइन को आज 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ना तो उसमें से कनेक्शन दिया गया, ना उसमें पानी सप्लाई चालू करी गई है। इसके लिए हमने कितने 4 माह पूर्व भी अधिकारी से मिल चुके हैं, और 15 दिन पहले भी हम मिलकर आए जनसंपर्क अधिकारी से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर लाइन चालू हो जाएगी, लेकिन आज उस बात को भी 15 दिन हो गए हैं, इसलिए उस लाइन को चालू नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा भी काम नहीं किया जा रहा है, पता नहीं एक्सचेंज जेईएन क्या कर रहे हैं, ना मौका मुआयना करते हैं ना कुछ करते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसको ठीक करा जाए, जब तक ठीक नहीं करा जाएगा हम आज चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सुनील छाजर, वार्ड नंबर, और यहाँ पे ये नहर मोहल्ला ये गली है, इसके अंदर में 7 महीने पहले पूरे नल की लाइने की जो मेन फिटिंग हुई है, बट वो कनेक्शन मेन जोड़ा गया ही नहीं है। दूसरी चीज़, इधर पे इतने खड्डे हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर में इतने एक्सीडेंट होते जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने जनों के तो हाथ पैर टूट गए, कितने जन हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। बाद में दूसरी, इसके अंदर में कनेक्शन के लिए आके 15 दिन पहले एक्शन लिया गया, उसके अंदर में इन लोग ने कुछ एक्शन लिया नहीं है। हाँ, इन लोग आके बोले 3 दिन के अंदर काम खत्म होगा, आज ये 15 दिन हो गए,
सात महीने पहले भी यही बोले थे कि एक महीने में काम खत्म होएगा, पूरा जोड़ देंगे, रोड बना देंगे, सबके कनेक्शन देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया गया। कौन सा वार्ड है और आज क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हाँ, आज चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वार्ड नंबर